नमस्कार साथियों, मैं नित्यानंद गायन कविता बोल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं आप लोगों से रूबरू होना चाहता हूँ। मैं कुछ कविताएं भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कविता के बारे में और कविता बोल के बारे में कुछ एक बातें जो मुझे लगता है मुझे कहनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आज कविता की ज़रूरत क्यों है इस समय में, और कविता किस प्लेटफॉर्म से कही जा रही है, ये कौन लोग हैं जो कविता के लिए आज कुछ बातें कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में आज जब हम देखते हैं कि चारों ओर हिंसा, नफरत, ईर्ष्या, ऐसे में क्योंकि एक कवि होने के नाते मुझे लगता है कि कवि ही किसी मनुष्य की संवेदनाओं को बचा सकता है या उसके भीतर की जो नमी है, उसके भीतर की जो एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है, उसको बचाने में कविता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए जब भी बहुत कठिन होगा, उस समय कविता ही मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का काम करती है। तो यही बात है कि जो कविता बोल प्लेटफॉर्म है, ये वही काम कर रहे हैं कि तमाम कवियों के, नए पुराने कवियों की कविताएँ आपके समक्ष ले आ रही हैं। आज मुझे मौका मिला है तो मैं भी अपनी एक कविता के साथ आज यहाँ प्रस्तुत हूँ, तो मैं अपनी कविता का यहाँ पाठ आपके लिए कर रहा हूँ। तो साथियों, मैं कविता आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है, कविता का शीर्षक है, सत्ता सच से डरती है। हम सच बोलेंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे, सत्ता डरती है सच से। हर सच को अपनी आलोचना मानती है सत्ता, हर सच को अपनी आलोचना मानती है सत्ता। हम भूले नहीं है सुकरात को, उसके जहर के प्याले में ही मिला दिया गया था हमारे हिस्से का जहर भी। हम भूले नहीं हैं सुकरात को, उसके जहर के प्याले में ही मिला दिया गया था हमारे हिस्से का जहर भी। सत्ता नहीं जानती जहर से व्यक्ति मरता है, सच नहीं। ये मेरी कविता थी, धन्यवाद। आप कविता बोल के साइट पे आइए, कविताएं सुनिए, इस साइट को सब्सक्राइब कीजिए और कविता को जन जन तक पहुँचाइए, क्योंकि कविताएं लोगों तक पहुंचाने का मतलब होता है लोगों से जुड़ना होता है, लोगों को समझना होता है। धन्यवाद।